आपने YouTube में काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मतलब किसी को मोहित करने के लिए वो बताते हैं कि अगर आप नींबू में लौंग जो ये मंत्र के साथ नींबू में लौंग चुबाओ तो वो स्त्री जो है वश में आएंगी। पहली चीज तो ये जो वशीकरण है, मैं अगर एथिकली भी मैं बात करूं, मुझे चीज सही नहीं लगती है कि अगर मैं किसी को पाने के लिए अगर मुझे हाँ ये करना पड़ रहा है तो मैं तो मानता हूँ ये सबसे गलत चीज है। लेकिन क्या इस तरह की चीजें काम करती है? देखो इस तरह की चीजें काम करती है, मगर एक चीज बता दू, यूट्यूब के भरोसे मत रहना जी। देखो यूट्यूब पे मैं भी डालती हूँ और भी बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं और हम लोग वशीकरण करते भी है, ठीक है। उसकी बहुत लंबी चौड़ी पूजा होती है, रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारा सामान हमें चाहिए होता है। अगर एक नींबू में लौंग डालकर अगर मैं किसी को वशीकरण कर सकती हूँ तो मैं इतना खर्चा नहीं करूंगी सामान में। दूसरी चीज कि हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो ये करना ठीक नहीं होता। मेरे पास भी जब लोग आते हैं कि हमारे लिए ये कर दो, ये वशीकरण कर दो, तो हम उनको पहले यही समझाते हैं कि अगर आपका रिलेशनशिप नॉर्मली ठीक हो सकता है, नेचुरली ठीक हो सकता है, तो आप उस पर काम करो, है ना। आप पहले कमियां ढूंढो कि कहाँ वर्कआउट करने की जरूरत है। अगर बिल्कुल ही हद हो जाती है कि हस्बैंड वाइफ है, बिल्कुल टूटने की कगार पे है, तो ठीक है हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, मगर यूट्यूब वाली वीडियो से कुछ नहीं होता। वो सब ऐसी है, अगर सब उसमें फ्री में ज्ञान बांट देंगे तो फिर लोगों को हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब में हमेशा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है, हमेशा गलत पड़ेगा। हाँ, और गलत मंत्र दिए जाते हैं, गलत प्रोसीजर दिया जाता है, जिसके बहकावे में आके लोग उल्टा अपना नुकसान कर लेते हैं।